चलो शुरू करते हैं। पिताजी का केंजुत्सु एक विजुअल जुत्सु है, अगर तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा तो इसका जुत्सु तुम पर काम नहीं करेगा। हम इससे लड़ेंगे कैसे? गाय ने पिताजी का सामना कैसे किया था? बस एक ही तरीका कि बॉडी और पैरों के मूवमेंट्स देखकर आपको प्रेडिक्ट करना होगा। इस तरह इससे लड़ना दूर रोकना भी मुश्किल लग रहा है। अगर एक के खिलाफ एक हो तो मैदान छोड़ना बेहतर। कुछ समझ में नहीं आया। अगर पीछे से वार नाकाम हो जाए उसे दुश्मन के गेंजुत्सु से निकाल सकते हो। ये अच्छा प्लान है। बहुत होशियार निकली। वाह चलो फिर मैं पीछे से वार कर। मैं तुम्हें याद आ गया। सारा पानी आखिर ला कहाँ से रहा है? बहुत सारे चक्र की जरूरत पड़ती है। बताइए आपने हमें रुकने को क्यों कहा? मैं जिस तरीके से शारिंगान से लड़ना चाहती हूँ उसका तरीका किसी मामूली केंजुत्सु पर काम करेगा। ये मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल करता है? अगर इसने आप पर वो जुत्सु किया तो आपको उसमें फंसने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और वो जुत्सु हुआ होगा उसे लगेगा कई दिन बीत चुके हैं। खुद इसके जुत्सु में 3 दिन तक टॉर्चर हुआ था। कोई ऐसा केंजुत्सु नहीं है जिसे आप इतनी आसानी से तोड़ दें। ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। बहुत अच्छे काकाश, मेरे सुकुयोमी में जो तुमने वक्त बिताया उसे बेकार नहीं जाने दिया। जब तुम अपना वो विजुअल जुत्सु इस्तेमाल करते हो बहुत ज्यादा थक जाते हो। पिताजी आंखों का बहुत इस्तेमाल कर लिया। चलो चले। इसीलिए तुमने हमारी लड़ाई को जल्दी रोक दिया था। तुम अपनी आंखों को खराब करने का जोखिम भी बढ़ा देते हो। छोटी सी मुलाकात से तुम मेरे बारे में बहुत जान गए हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ अब तक तुम अपनी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा चुके होगे। काकाशी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने? आखिर वो कहाँ चला गया? वाटर क्लोन था। लगता है इताची अपने दुश्मन का सामना के सामने इस वक्त लड़ने में मशगूल है। Keep rising wind. It's like glove sir pop. Be perform. अरे नहीं, भाग गया। वो कहाँ छुप गया? नहीं जी, अब वो तुम्हें दिख रहा है? वो हमारे सामने है और इसी तरफ आ रहा है। वो मिल गया। सच में अब इनका खेल खत्म। वाटर स्टाइल निंजुत्सु, साथ ही वो बड़ी सी पावरफुल स्वॉर्ड। कहीं तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ? मुझे यकीन है कि हम पहले भी मिल चुके। इतना दर्द दूंगा कि तुम्हें सब याद आ जाएगा। पर अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ इताची। अरे ये मत सोचना कि मैं अब भी वही अनाड़ी लड़का हूँ। नारुतो तुम इसे मुझ पर छोड़। अब जल्दी से आज ये फॉर्मेशन में आ जाओ। अजुना को प्रोटेक्ट करो और कुछ भी हो जाए इस लड़ाई से दूर रहना। एक टीम की तरह काम करना होगा। भी हमें बिना लड़े टीम वर्क का नाटक करना होगा। इस बार तुम मुझे कवर दोगे। मैं ये कह सकता कि तुम लोग घूमने जाओ और मैं इससे अकेले लड़ूंगा। मुझे बोर मत करो। काउंटर अटैक का पहले तो मैं अपने फटकों से उसे चटुम लोग उसका चूरमा बना देना। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? उस बड़ी तलवार को तुरंत अपने सामने ले आता है। अगर रफी की अटैक काम नहीं कर रहा तो कैसा लगा? हाँ मुझे तो ये बहुत ही बेकार लगा। इसकी स्वॉर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाँ इसकी वो स्वॉर्ड तुम्हें याद आ ही गया। वो स्वॉर्ड तुम्हारी है क्या? नहीं तो और किसकी होगी? अपने डाउट को दूर करना चाहिए। बात कितनी सिंपल सी है पर इसका मतलब कितना गहरा है। तुम्हारा दिमाग भी एक जानवर की तरह कमजोर है। चलो डायनामिक एक्शन। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ नारुतो। वो पहले मेरा सामना कर। शैडो क्लोन और शैडो क्लोन। ये क्या सकुरा? ग्रैनी वाटर क्लोन जुत्सु, वाटर प्रिज़न जुत्सु। प्लीज नेजी टेंशन। सेंसेई
बुरी तरह फंस गए हैं। तुम्हारे स्टूडेंट्स इससे काफी बेटर है। हिल नहीं पा रहा, ऐसी की तैसी दम घुट रहा है। अब इनमें से कोई हमारी लड़ाई में ढंग नहीं लड़ाएगा। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, बीच में जाकर सिर्फ उनका ध्यान भटकाऊंगा। नाम की महान तलवार अपने मालिक की वफादार है। ननचाकू? यकीन नहीं होता, गाइस इनसे ननचाकू से लड़ेंगे। ये दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। चलो खेल खत्म करते हैं। लेकिन मैंने इसकी आंखों में नहीं देखा था, इसने मुझे कैसे फंसा लिया। मेरा ये केंजुत्सु मेरी आंखों के भरोसे नहीं चलता। इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे पास आओ नरूटो। इसने तब ये चाल चली थी। मैं तुम पर मांगे क्यों शारिंगान इस्तेमाल नहीं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। वक्त आ गया है तुम्हें चैन की नींद सुलाने का। मैंने हर बात का ध्यान रखा था। केंजुत्सु इस्तेमाल करना सिखाने वाले हैं छिछोरे बाबा। मैं तुम्हें केंजुत्सु से बाहर आना सिखाने वाला। अगर तुम कभी फंस जाओ तो केंजुत्सु से बाहर आने की ट्रिक होती है। केंजुत्सु हमारे ओपोनेंट की पांचों सेंसेस पर काम करता है। ट्रेनियल नर्व से गुजरने वाले चक्रों को कंट्रोल करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? ये बहुत एडवांस केंजुत्सु है जिसमें बहुत दिमाग लगता है। एक दिन में केंजुत्सु मास्टर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे सपने देखना छोड़ दो। कई दुश्मन तुम पर केंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं। इताची उचिहा, क्या उसके सामने तो काकाशी सेंसेस भी कमजोर पड़ गए। और इसलिए तुम्हें केंजुत्सु के चंगुल से आजाद होना भी आना चाहिए। तो मैं तैयार हूँ। दुश्मन के केंजुत्सु में फंस जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में मौजूद चक्र उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। चक्र का एनर्जी फ्लो बंद कर देना होगा, समझे पब्लू? तुमने अपने पैरों में मौजूद चक्र की एनर्जी फोकस कर मानी के ऊपर आसानी से चल पाते हो। इस एनर्जी को रोकना होगा। रोक देना है ना? बार में अपने सभी चक्रों की एनर्जी को रोक दो। अगर तुम ये कर लो तो केंजुत्सु से आजाद हो जाओगे। Opening, release, gate of rest, gate of life, gate of pain. इसमें अचानक से बेहसा पाकर कहाँ से आ? Gate of closing, open. ये क्या? नहीं, तुम सच में वो टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हो? Gate of joy, open. तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू जी, हम सब बच गए। ये काफी कुछ सीख गया है।